प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे आज हम? वर्ण विचार। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा पढ़ी थी और व्याकरण को पढ़ा था। आज हम वर्ण के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, अब हम अपने आसपास ध्यान से देखिए, आप अपने आसपास ध्यान से देखिए कि आप पाओगे कि प्रत्येक वस्तु कई छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर बनी है। जो प्रत्येक वस्तुएं हैं वो कई छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर बनती है। छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर बनती है। क्या आप समझदार हैं? इस बारे में विचार कर सकते हैं। क्या आप समझदार हैं? तो इस बारे में हम विचार करेंगे कि हमारे जो आसपास है वो छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर बनती है। तो देखिए, इस तरह भाषा की रचना होती है। जो भाषा है इस तरह उसकी रचना होती है। यह कमल है। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है कि यह कमल है। क्या तुम कमल शब्द के टुकड़े कर सकते हो? क्या तुम कमल को उनके टुकड़ों को कर सकते हो? तो हम क्या है? हाँ, हम कमल के टुकड़े कर सकते हैं। जैसे क म ल, ये देखिए क म और ल, इनके टुकड़े आराम से हो सकते हैं। क्या तुम कमल शब्द के टुकड़े कर सकते हो? तो हाँ, क म ल कमल के हम टुकड़े कर सकते हैं। तो ठीक है, अब कमल के टुकड़े करो तो इनके टुकड़े नहीं होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि जो क है इसके आप टुकड़े कीजिए, तो आप इस क के, जैसे मैंने अभी आपको बोल रही हूँ कि आप इस क के टुकड़े करो, तो क्या आप इस क के टुकड़े कर सकते हो? नहीं, इस क के टुकड़े नहीं होते। जैसे मैंने कहा म के टुकड़े करो, तो म के भी टुकड़े नहीं हो सकते। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा गलत है। लेकिन अगर मैं कहती कि बतख, बतख के आप टुकड़े करो, तो आप बतख के टुकड़े कैसे करते? ब त और ख, ये क्या हो गए? ये बतख के टुकड़े हो गए। इनको हमने तीन ध्वनियों में इनको अलग अलग कर दिया। तो बच्चों, इन टुकड़े इनके टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनके क्या है? इनके जो टुकड़े हैं इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क म ल ये क्या है? ये एक वर्ण है। हम इनके टुकड़े क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक क्या है? ये एक वर्ण है, इसलिए इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। और ये क्या है? ये शब्द है, ये वर्ण। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो वर्ण है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और छोटी इकाई के कभी भी टुकड़े नहीं होते, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो भाषा है इसको आपको याद करना है। जो भी परिभाषा बच्चों मैं आपको बताती हूँ, आप उनको जरूर याद कीजिएगा, ताकि इनको जब आप अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। भाषा का घर इन वर्ण रूपी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और स्वरों और व्यंजनों की व्यवस्थित रूप से लिखना वर्णमाला बनती है। वर्णमाला कैसे बनती है? उनको अगर हम व्यवस्थित रूप से इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। अब देखिए, वर्णमाला के दो भाग होते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? अ आ ई ई, और व्यंजन क्या होता है? क ख ग ड। आगे हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए पहले स्वरों से मिल लेते हैं। तो देखिए, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? ये सब हमारे स्वर हैं। इन ध्वनियों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जब हम ये ध्वनियां बोलते हैं तो हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो अब अंग, अंग से क्या होता है? अनुस्वार बिंदु। अंग क्या है? अनुस्वार बिंदु, क्योंकि ये नाक से बोला जा, ये सॉरी, ये गले से बोला जाता है। अह है विसर्ग। अंग और अनुस्वार के साथ अंग्रेजी के प्रभाव के कारण एक ध्वनि आ गई है, ओ। देखिए, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो देश में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो एक मात्रा और आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ओ। इसे कैसे लिखते हैं? इसे सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में ओ की मात्रा की जगह हम क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं। ओ, ये देखिए, ओ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, टॉफी, बॉल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डॉक्टर, टॉफी और बॉल में किया जाता है।
आप ये ध्यान रखिएगा ओ कैसे लिखते हैं, सिर्फ ऐसे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने बोलने में करते हैं। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अंग और अ, ओ तीनों का प्रयोग अ और आ के साथ मिलाकर किया जाता है। जब हम इस ओ का प्रयोग कब करते हैं, अंग का और अ का, जब हम कोई वाक्य शब्द लिख लेते हैं तो उनके साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरे वर्णों के साथ भी इस तरह के हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लंगूर, प्रातः, लोकर। तो देखिए लंगूर में क्या लग गया, अंक की मात्रा लग गई, प्रातः में विसर्ग लग गया और लोकर में ओ की ये जो मात्रा है ये लग गई है, ओ का प्रयोग हो गया। स्वरों का ये प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और इनकी मात्राएं भी लगती, जो स्वर है इनका जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उनकी मात्राएं भी लगती है, जैसे कि कान, कान, कान। तो देखिए ये जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ आ की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया, कान बन गया। ये देखिए यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं कि स्वरों का स्वतंत्र रूप, जैसे अ, अगर, अ कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए अगर, मगर, अम, अकबर हो गया। अब ये आ, तो देखिए आ की मात्रा लगी, आम, अ पर आ की मात्रा, आग और आज। अब ई, इधर, इस, इन, ईक, ईद, इस, उन, उधर, उत्तर, औरत, और ए, सॉरी रीन, ऋषभ, ए, एक, ऐ, एश, एनक, ओ, और, औ, औरत, और। तो इस तरीके से ये हुआ। आइए इन सबकी मात्राएं देखिए, देखिए अ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ, आ का मतलब ये नाम, री, ये देखिए सब मात्राएं हैं। तो देखिए ई, ये ई स्वर है, ये मात्रा है और ये व्यंजन है। तो जब ई की छोटी की मात्रा लगी तो तिल, ई, कील, उ, पुल, उ, धूप। देखिए इस तरीके से स्वर है, ये मात्रा है और ये व्यंजन है। र पर ई की मात्रा लगी, री, गृह। ए पर ए की मात्रा लगी, शेर। आई, प पर आई की मात्रा लगी, पैर। ओ, देखिए ओ ना लिखकर हमने क्या लिखा है, ओ ना लिखकर हमने ओ की मात्रा लगा दी, तो शोर। औ ना लिखकर औ की मात्रा लगा दी, बहुना। तो इस तरीके से हमने मात्राओं में व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाते हैं। अब व्यंजनों से मिल लेते हैं, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। यदि स्वर का साथ ना हो तो व्यंजन को आधा ही माना जाता है। अगर हम स्वर को नहीं लगाते हैं तो व्यंजन आधा ही माना जाता है, जो कि इस प्रकार से स्वर व्यंजन है, क, ख, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। तो बच्चों ये है, ये क्या है, ये हमारे व्यंजन है। और अड़ और द, जो अड़ और ढ है ये क्या है, ये अड़ और ढ। देखिए इसका हम लिखते हैं, हिंदी में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने थे, स्वर हमारे 11 थे और व्यंजन कितने थे, 33। याद रखिएगा स्वर 11 थे और व्यंजन 33। ये देखिए अड़ और ढ, ड और ढ से आगत ध्वनियां हैं, इनकी क्या है, ये आगत ध्वनियां हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, जब चार अक्षर, त्र, ज्ञ, ओस्र, ये क्या है, ये कई शब्दों से, ये जो वर्ण और वर्णों से मेल से बनते हैं, इसे एक संयुक्त या यौगिक व्यंजन भी हम मान सकते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं और यौगिक व्यंजन भी। जैसे आपको मैं बताती हूँ अक्षर, ये संयुक्त व्यंजन कैसे है, तो देखिए अक्षर में क के साथ मैंने स लगाया, मतलब कि दो वर्णों से ये क्षत्रिय, पक्षा और क्षय बन गया। अक्षर, अक्षर लिखने के लिए हमें क और स का बोलने के समय हमें इसका उच्चारण करना पड़ता है, क और स का मिलाकर ये संयुक्त व्यंजन बनता है। त्र, तर, तर, तो क्या बना, इसमें त्रिशूल और पत्र, देखिए त्र, तो त्र में त और र की उच्चारण हो रहा है। आगे ज्ञ, तो इसमें ज और य का उच्चारण हो रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, ज्ञ में ज और य का उच्चारण, जैसे ज्ञान और यज्ञ। स्र में स और र का उच्चारण हो रहा है इसलिए श्रम और विश्राम। देय में, अब देखिए ये देय है, देय में द और य का क्या, द और य का उच्चारण हो रहा है, तो क्या बन गया, विद्या,
देखिए दिया इसे क्या बोलते हैं, दया, तो द और य का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसलिए विद्या का विद्यालय हो गया। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, श, तो क और श का जब आपस में हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्ष, मतलब क्षत्रिय, कक्षा और शय। अब देखिए त्र, त्र में त और र को मिलाने से, त और र को मिलाने से त्र बनता है, तो त्रिशूल और पत्र। जैसे ज्ञ, तो ज्ञ में ज और य मिलाने से ज्ञान और यज्ञ बनता है। श्र, स और र मिलाने से श्रम और विश्राम बनता है। और अद्य, द और य मिलाने से विद्या और विद्यालय, तो द और य मिलाने से विद्या। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप इसको पढ़िएगा और साथ में इसको याद भी कीजिएगा, इसकी परिभाषाओं को भी याद कीजिएगा। हम कल इसके अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।